नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पाइप कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है प्रिंस पाइप। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है, तब से इस कंपनी ने कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं किया, तब से अप ट्रेंड में है। हाँ, मार्केट लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हुआ, उसके बाद जिस तरीके से रैली दिखाया और मार्केट लिस्टिंग होने के बाद कंपनी जो डाउन टेन दिखाया, वो टोटली कोरोना के सिचुएशन में डाउन टेन था। उसके बाद कंपनी ने अप टेन ही अप टेन दिखा रहा है और जबरदस्त एक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आज इस कंपनी ने भी 52 वीक का हाई भी अचीव किया, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बताऊंगा और फ्यूचर में इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स है। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड कंपनी एक्चुअली पाइप सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब जितने सारे पाइप्स हैं इस कंपनी उसी का कारोबार करते हैं। और कंपनी के देखिए आज के दिन 52 वीक का हाई भी किया। यहाँ पे देखिए 9 नवंबर 897 इसका 52 वीक का हाई है, और लाइफ टाइम हाई भी बोल सकते हैं। 52 वीक का लो देखिए 239, मतलब जब एक साल के अंदर, यहाँ पे देखिए 11 नवंबर 9 नवंबर, मतलब एक साल अभी भी नहीं हुआ, 2 दिन बाकी है, फिर भी एक साल के अंदर कंपनी ने करीबन करीबन आपका फंड 3 गुना कर दिया, 3 गुना से 4 गुना कर दिया मान के चलिए। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको जरूर नजर होना चाहिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कुछ इस जो आज के दिन इतना तेजी और 2 दिन से इतना तेजी दिखा रहा है, इसके पीछे एक रीजन है, वो है इसका Q2 का रिजल्ट। कंपनी ने शानदार 5-स्टार रेटिंग वाला Q2 का रिजल्ट किया। तो उस रिजल्ट आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं, तो उससे पहले आज के दिन कितना डिलीवरी उठ चुका है वो भी देख लीजिए। 36% यहाँ पे डिलीवरी उठ चुका है, 25,20,000 ट्रेड हो चुके हैं और 9,19,600 यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, और इसके बाद आपको रिजल्ट के बारे, तो रिजल्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद एक गुड न्यूज़ भी है क्योंकि कंपनी बोनस भी देने वाला है। तो उससे पहले आप रिजल्ट एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी का अर्निंग के बारे में बता दूँ, तो टोटल जो इनकम हुआ है 7,624 मिलियन। तो आप मिलियन फिगर में देख लीजिए, आप इसको करोड़ों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 3,300 मिलियन का, पिछले साल में था 4,600 मिलियन का। तो देखिए पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा हो गया, और पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे भी आपको करीबन करीबन डबल के नज़दीक देखने को मिल रहा है। उसके बाद बारी आते हैं एक्सपेंस की, कंपनी जो एक्सपेंस किया उसके भी देखना चाहिए। टोटल एक्सपेंस की बात करूँ, कंपनी अर्निंग जिस तरीके से किया उस तरीके से एक्सपेंस भी हुआ, करीबन 6,500 टोटल मिलियन का एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में था 3,000 मिलियन एक्सपेंस, पिछले सालों में था 3,900 एक्सपेंस। तो जितने सारे कंपनी का टैक्स है वो टैक्स को पे करना पड़ा, तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, और आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं। मैं आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देता हूँ, 760 यहाँ पे टोटल मिलियन का प्रॉफिट हुआ, करीबन करीबन मान के चलिए 76 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ, और पिछले क्वार्टर में था 177 और पिछले सालों में था 465। तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, और यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो देखिए कोई स्टॉक, मतलब कोई भी कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ लेके चलेगा, तो उसी का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है, आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तब करीबन करीबन 5% यहाँ पे तेजी देखने को मिला। उसके बाद देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो मार्केट जब क्लोज हुआ करीबन 1.78% का क्लोजिंग लेके बंद हुआ। तो कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कितना शानदार आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, टोटली अप ट्रेंड में है कंपनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा
एक साइड बेसिस चल रहा था, उसके बाद उस लेवल को ब्रेक किया और भी कंपनी अपटेन में जाने वाला है। तो इस कंपनी के एक गुड न्यूज़ भी है, वो है कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है। यहाँ पे देखिए कंपनी डिविडेंड के अनाउंसमेंट किया, इंटरिम डिविडेंड 1.50 रुपीज़ पर शेयर, मतलब आपके पास 100 शेयर है तो आपको 150 रुपया आपको मिल जाएगा, तो एक शेयर के बदले आपको 1.50 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो ये जो मतलब ये जो मिलेगा, मतलब ये जो बोनस मिलेगा आपको, सॉरी बोनस नहीं, डिविडेंड जो मिलेगा वो आपको, रिकॉर्ड डेट जो है वो 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं। आपको 15 नवंबर नहीं, आपको 2 दिन पहले, 15 नवंबर के 2 दिन पहले, मतलब 13 नवंबर में। तो फिर से एक बार मैं एक बार कैलेंडर आपके सामने ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे कैलेंडर देख दीजिए, 13, हाँ 13 नवंबर से पहले, 13 नवंबर सैटरडे है, तो आप 12 नवंबर से पहले आप कोई भी शेयर इसका खरीदारी कर लेते हैं तो आपको पर शेयर में 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो कोई भी, देखिए कोई भी कंपनी में डिविडेंड के चक्कर में निवेश मत करना, उसके कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेना, उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी में पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए तभी आप उसमें निवेश करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का पैरामीटर आपको दिखा दूँ, जो कंपनी प्रिंस पाइप कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी अभी भी मिड कैप टाइप कंपनी है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, इसका प्राइस रेंज भी कम है, इसका पी ओ रेशियो ठीक ठाक लेवल में है। सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही करीबन करीबन 20% के ऊपर है, और फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे दे चुके हैं। तो कंपनी का कुछ पोज भी है, पोज मतलब पॉजिटिव और कोज मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव सिर्फ एक ही है जो बहुत टाइम तक बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो ज़्यादातर स्टॉक में आपको यही देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो पॉजिटिव है वो कंपनी खुद का डेप्थ रिड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप फ्री है, मतलब कंपनी के पास कर्जा ना के बराबर है। कंपनी के क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात कंपनी 5 साल में करीबन 50% का रिटर्न आपको दिया। तो कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं, जितने सारे प्लास्टिक देखे, प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक पाइप्स जितने सारे कंपनी से, उससे कंपेरिजन करूँ तो कंपनी 4th नंबर पोजिशन में आते हैं, क्योंकि एस्ट्रल सबसे पहले है, उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उसके बाद फिनोलेक्स है, और उसके बाद प्रिंस पाइप है। तो प्रिंस पाइप भी फ्यूचर में एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखने वाला कंपनी भी है, इसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए और जरूर इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो इसका क्वार्टर बेसिस अब रिजल्ट देखिए, हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और एक अपटर्न देखने को मिलेगा इस कंपनी का रिजल्ट में। और अब साल भर के रिजल्ट देखेंगे तो साल भर भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 से स्टार्ट हुआ, 16,000 नहीं, 16 करोड़ का स्टार्ट हुआ, उसके बाद 30 करोड़, 74 करोड़, 73 करोड़, 82 करोड़, 113 करोड़, 222 करोड़, उसके बाद 258 करोड़, मतलब हर साल में आपको इस तरीके से रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो जिस टाइप कंपनी में हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, जिस कंपनी में हर सालों में हर क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है, तो उस टाइप कंपनी में आपको हमेशा बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। कंपनी 5-स्टार रेटिंग वाला कंपनी बनने वाला है। कंपनी का अभी मैं स्टार दूँ तो अभी इस कंपनी का 4 स्टार दूंगा, क्योंकि कंपनी का अभी भी मुझे कुछ चीज़ नेगेटिव लगा, क्योंकि कंपनी मिड कैप टाइप है, तो मिड कैप जब लार्ज कैप बन जाएगा तब इसको 5-स्टार रेटिंग में जरूर दूंगा। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही मुझे अच्छा चीज़ लगा। साथ ही साथ कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देखिए, एक साल में 251% का रिटर्न दिया। देखिए आपको 5 सालों में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 50% से भी ज़्यादा कंपनी ने 5 साल में आपको रिटर्न दिया। देखिए फिर भी स्टॉक मार्केट में इस कंपनी 5 साल तक नहीं लिस्टिंग हुआ, इसका जो लिस्टिंग डेट है वो आपको मैं एक बार दिखा दूँ, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2020, उसके बाद देखिए कोरोना का सिचुएशन आया, तो कोरोना के सिचुएशन के बाद थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसका प्राइस रेंज था 180, उससे गिरावट होके प्राइस आ गया था करीबन 70 के रुपीज़ आसपास, उसके बाद जो कंपनी ने तेजी पकड़ा, अभी भी कभी भी आपको डाउन ट्रेंड में नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी के सारे डेटा आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाना बाकी है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे प्रोमोटर देखिए, पहले पहले भी 63.25% होल्ड करके रखा था, अभी भी 63.25% होल्ड करके रखा,
और एफआई देखिए 3.60% होल्ड करके रखा, डीएस 11%, पब्लिक यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, 21% होल्ड करके रखा। तो कंपनी में कुछ पोटेंशियल जरूर दिखते हैं मुझे, और तो इस कंपनी को स्टडी करना। तो मैं एक ही चीज़ इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है कंपनी अभी भी मिड कैप टाइप स्टॉक है। तो मिड कैप स्टॉक में आपको बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, तो आप कोई भी स्टॉक में खरीदारी किए हैं तो उसका पैरामीटर पहले चेक कर लेना, मतलब इस टाइप स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं तो हर डेटा को आप चेक करना जो डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। और भी कुछ डेटा देखना है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं और उस डेटा को चेक करने के बाद ही निवेश करना, क्योंकि मिड कैप टाइप स्टॉक है, थोड़ा सा गिरावट हो जाएगा तो आप पैनिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 600 700 गया था, उसके बाद देखिए कहाँ आ गया था, 600, मतलब 100 मतलब 100 पॉइंट डाउन हो गया था। तब बहुत सारे इन्वेस्टर कहेंगे सर देखिए 100% 100 रुपीज़ डाउन हो गया, मतलब मेरा फंड तो 100 करीबन करीबन देखा जाए 20% डाउन हो गया। तो देखिए इस टाइप कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, तो ये वोलेटिलिटी आपको मतलब आप झेल सकते हैं, तो आप जरूर इस टाइप स्टॉक में निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।